खंडवा जिले के मुंदी फॉरेस्ट विभाग को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर वन रक्षक दिनेश दांगोड़े की सूचना दी गई और एक सफेद रंग की टाटा 207 पिकअप में धावड़ा गोंद भरकर रोशनी से मुंदी होते हुए इंदौर जा रहा था, उसे धर दबोचा है। सूचना पर वन परिक्षेत्र अधिकारी मुंदी अरविंद चौहान के निर्देश पर टीम बनाकर एक स्टाफ को अलग अलग मार्गों पर दबिश देकर बिठाया गया। सुबह लगभग 5:30 बजे रेलवे ओवरब्रिज गोडरिया की ओर से सफेद पिकअप वाहन आता दिखाई दिया, जिसे नाकाबंदी कर रोका गया, जिसमें प्याज की बोरियों के नीचे धावड़ा गोंद भरा हुआ था। वाहन चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम दिनेश पिता मांगीलाल निवासी ककड़ा दिया बताया। उसने द्वारा बताया कि अब्दुल अजीज मौलाना निवासी रोशनी रफीक मंसूरी पुनासा के द्वारा गोंद को भरवा कर इंदौर ले जाया जा रहा था। वहीं सूचना मिली कि वह भी मोटरसाइकिल से रेकी करते हुए आगे चल रहे थे। वाहन चालक की सूचना पर मोटरसाइकिल का पीछा किया गया। वहीं मुंदी में वन स्टाफ और घेराबंदी कर धर दबोचा। पिकअप वाहन और मोटरसाइकिल को अवैध गोंद के साथ जब्त कर दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1927 और जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है। वही वन अधिकारी ने बताया कि जब तक गोंद की मात्रा 5 से 6 क्विंटल है, जिसका मूल्य लगभग 1 लाख रुपए है। मुंदी शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।